के मुझे लाइव देख रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना स्टार्ट करो। जो भी मुझे लाइव देख रहा है मुझे कमेंट करो। कौन कौन लाइव देख रहा है अमूल के पेज पे मुझे? गाइज मुझे कमेंट करो, मुझे कमेंट शो नहीं हो रहे। कमेंट किसका रहेगा? हाय, 12 जन लाइव आए बट मुझे कमेंट शो नहीं हो रहे। एक बार मुझे कमेंट करो, आपको वॉइस क्लियर है कि नहीं, वीडियो क्लियर है कि नहीं। हाय प्रीति मैम, हाय, प्लीज वीडियो शेयर करो। आज मैं बहुत ही प्यारी रेसिपी आपके लिए लाइव में मैं शेयर कर रही हूँ। और हम हैं अभी दुनिया का सबसे बड़ा पेज जिसका नाम है, जो सबका फेवरेट है, वो है अमूल। तो अभी हम लाइव कर रहे हैं अमूल के पेज पे और मैं हूँ शेफ विनीता, होम बेकर विनीता, और मैं हूँ गुरु केक्स एंड कुकिंग क्लास के एडमिन। और ये हमारे क्लासेस चलते हैं ठाणे में। मेरा खुद का भी पेज है गुरु केक्स एंड कुकिंग क्लासेस, आप वहां पे जाके सब क्लास को सर्च कर सकते हो। मेरे पेज का नाम है गुरु केक्स एंड कुकिंग क्लासेस। ओके, तो ऑल क्लियर। ओके, तो आज हम एक प्यारी रेसिपी बनाने वाले। आपको पता है कि अभी बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, लेकिन अभी श्रावण महीना भी चालू है और बहुत जन श्रावण महीने में नॉनवेज नहीं खाते है, लेकिन ऐसा होता है ना कि हमें आदत हो चुकी है। तो नॉनवेज के लिए आप ऑप्शन चीज क्या यूज कर सकते हैं? तो वो है सोया चाप। तो ये सोया चाप की जो ग्रेवी होती है वो टोटली नॉनवेज के जैसे ही लगती है। तो इसीलिए हम आज यहाँ पे बनाने वाले हैं सोया चाप। तो सोया चाप आप घर में कैसे उसकी ग्रेवी बना सकते हो, पूरा होटल स्टाइल सोया चाप आज हम देखने वाले। तो वीडियो आपको शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी इसको देखें और आप भी ये होटल स्टाइल सोया चाप घर में बनाएं। और अभी बहुत सारे त्योहार भी आ रहे हैं तो ये रेसिपी अपने घर में एक बार तो बनती बनती है, ठीक है? तो चलो अभी मैं कैमरा ऑफ कर, मतलब बैक कर लेती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हमने क्या क्या लिया है और हमने क्या क्या अमूल के प्रोडक्ट यूज किए हैं। ओके, सो गाइस वीडियो शेयर करो, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रेसिपी बनाना, ठीक है? आपका जो भी कमेंट्स होगा आप मुझे करते जाना धीरे धीरे। ओके, 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 आपको सबको दिख रहा है अच्छे से? एक बार मुझे कमेंट करो। ओके, तो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा अमूल के प्रोडक्ट। तो हमने आज, मेरे पास बहुत सारे अमूल के प्रोडक्ट है और हम क्लास में भी अमूल के प्रोडक्ट ही यूज करते, जैसे मैं बेकिंग और कुकिंग दोनों भी क्लास लेती हूँ तो उसमें हमें अमूल के प्रोडक्ट बहुत लगते हैं, जैसे कि अमूल का दूध है, अमूल का पनीर है, अमूल का चीज है। अमूल के पास चीज में बहुत सारी वैरायटी है जिसमें आप कोई भी चीज बना सकते हो। तो अमूल के मेरे पास दो चीज है, बटर है जो हम यूज करने वाले हैं। आप गार्लिक बटर भी यूज कर सकते हो, जिंजर गार्लिक की पेस्ट ना डाल के आप गार्लिक बटर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारा है, मिल्क मेड है, ठीक है? तो आज हम बना रहे सोया चाप। गाइस थोड़ा थोड़ा वीडियो शेयर करते जाना, लाइक इमोजी हार्ट इमोजी कंटिन्यू चालू रखना। ये है सोया चाप, ये देखो, इसको बोलते हैं सोया चाप। ये टोटली वेज है, ये सोयाबीन के साथ और मैदे के साथ बनता है। सोयाबीन, हाय ममता मैम, ये सोयाबीन और मैदे से बनता है अपना सोया चाप, ये टोटली वेज है। ओके, लेकिन जब हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं ना तो उसके ऑप्शन में आप ये ले सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे, मैंने 3 पीसेस लिया है, मैंने यहाँ पे 3 पीसेस लिया है, तो मैं उसके ही अनुसार आपको मेरा पूरा रेसिपी बताऊंगी कि मैंने क्या कितना लिया है, ठीक है? अभी ये जो होता है ना, ये है फ्रोजन सोया चाप। तो ये चाप को थोड़ा सा बॉईल, मतलब वो लोग करते हैं, बट आपको घर में क्या करना है, अगर आप उसको डायरेक्टली डालना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा बॉईल करके डालना है। मैं इसको फ्राई करने वाली हूं तो मैं इसको अभी फिर से बॉईल नहीं करूंगी, मैं डायरेक्टली इसको बॉईल, मतलब फ्राई करूंगी। इसके अंदर की जो स्टिक है वो मैं निकाल रही हूं, जो अपनी आइसक्रीम की स्टिक होती है, ये देखो।
ओके अभी हम इसके पीसेस करेंगे, आपको जैसे शेप में इसके पीसेस करने हैं आप वैसा कर सकते हो, जितना छोटा जितना बड़ा उसके, अगर ज्यादा लोग खा रहे तो थोड़ा सा छोटा छोटा पीसेस करो, हम तीन जन हैं तो इसीलिए मैंने तीन ही लिया है, बट आप ज्यादा क्वांटिटी में बना सकते हो। और सोया चाप घर में भी बनता है, उसकी रेसिपी भी कभी एक दिन जरूर मैं लाइव में शेयर करूंगी, ठीक है। हाय ममता शाहू मैम, और दूसरी ये ममता घोष मैम, दोनों को भी हाय। तो ये है सोया चाप, ये टोटली वेज है और ये सोयाबीन और मैदे के साथ ही बनता है, ओके। एक बार पूरा लाइव में इसकी रेसिपी में आपको जरूर बताऊंगी कि घर में आप कैसे बना सकते। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम रखते हैं ऑयल गरम करने के लिए, ठीक है। बहुत सारी रेसिपी आप सोया चाप से बना सकते हो, ओके। मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, अभी आपको क्या करना है, ये आपको फ्राई करना है। हाय जतिन सर, ठीक है। अभी देखो हमारा तो श्रावण महीना चालू है, हम लोग नॉनवेज नहीं खा रहे, लेकिन ऐसा होता है ना कि कुछ तो नॉनवेज जैसा चाहिए, कुछ तो ग्रेवी चाहिए, तो सोया चाप बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप उसको बना सकते हो। सेम रेसिपी उबले हुए आलू के साथ भी आप बना सकते हो, सेम रेसिपी आपको कंटिन्यू करना है, ओके। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 लिया है, शायद ये 250 ग्राम होगा, तो मैं धीरे धीरे मैं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या इसमें मैं डाल रही हूं। मैं फिर से एक चीज आपको बोल रही हूं, अगर आपको ऐसे ही डालने हैं ग्रेवी में तो आपको इसको 5 से 10 मिनट फिर से गर्म पानी में नमक डाल के बॉइल करना है। ये ऑलरेडी फ्रोजन है, ये थोड़ा बॉइल करके ही आप इसको फ्रोजन कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने ऑलरेडी फ्रोजन वाला लाया है, बट मैं इसको फ्राई करूंगी, इसीलिए मैं इसको सेकेंड स्टेप जो होती है, जो होता है बॉइल करना जिसमें आपको नमक डालना होता है, वो मैं स्किप कर रही हूं बिकॉज मैं इसको फ्राई कर रही हूं। लेकिन अगर आप फ्राई वाला नहीं डालना चाहते हो तो इसको बॉईल करना है 5 से 10 मिनट, देन इसको ठंडा करके आपको डायरेक्टली ग्रेवी में मैरिनेशन करके आप डाल सकते हो। लेकिन मैं टोटली होटल स्टाइल बना रही हूं तो इसीलिए मैं पूरा रेसिपी उसी की तरह से आपको बताने वाली हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑयल गर्म हो रहा है, कौन कौन लाइव देख रहा है प्लीज लाइव को शेयर करो ताकि और जन हमारा लाइव देख पाए, प्यारी सी रेसिपी उनको भी समझ में आए कि सोया चाप कैसे बनता है। बहुत जनों का सवाल होता है ये वेज होता है क्या नॉन वेज होता है, तो ये वेज होता है, ये सोयाबीन और मैदे के साथ बनता है। सेम रेसिपी आप ओट्स से भी कर सकते हो, मतलब ओट्स से भी चाप बनते हैं, ओके। गेहूं के आटे से भी सोया चाप बनते हैं, मुझे बहुत सारी रेसिपी आती है, कभी एक बार मैं जरूर अमूल के पेज पे ये वाला लाइव जरूर करूंगी कि सोया चाप कैसे घर में बनाते हैं। अभी देखो ऑयल अपना गर्म हो चुका है, मैं इसको डाल रही हूं फ्राई के लिए। चलो जो अभी आए हैं उनका स्वागत है अमूल के पेज पे, और मैं हूँ शेफ विनीता, होम मेकर विनीता, और मैं ठाणे में रहती हूँ, और गुरु केक्स एंड कुकिंग क्लासेस करके हमारे ठाणे में क्लासेस है, ओके। और इसी नाम पे मेरा खुद का पेज भी है। तो ये हम क्या करें, फ्राई कर ले। दूसरी चीज है कि इसको फ्राई क्यों करना है, जब आप इसको डायरेक्टली बॉइल हुआ रेसिपी जब ग्रेवी में डालते हो तो उसको इतना ज्यादा टेस्ट नहीं आता है, बिकॉज इसको खुद का टेस्ट नहीं है, इसको खुद का टेस्ट नहीं होता है। जब आप इसको फ्राई करते हो तब इसको टेस्ट आता है, अभी मैं इसको पलटी दे रही हूं ताकि ये दोनों साइड से हो जाए,
ओके अभी मैं थोड़ा सा फास्ट में ही कर रही हूँ, आपको थोड़ा सा क्रंची चाहिए ना तो मीडियम फ्लेम में घर में कर देना, मेरा लाइव है और टाइम हमारा उतना होता है, उसके हिसाब से थोड़ा सा फास्ट में फ्राई कर दी। जब आप फ्राई करते हो तो इसको थोड़ा सा टेस्ट आता है, थोड़ा सा क्रंची लगता है, अदरवाइज आप अगर ऐसा ही डालते हो तो उसको टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी मसाले नहीं डालते हैं, ओनली नमक जाता है इसमें। तो टेस्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको फ्राई कर रहे, देन इसको हम मैरिनेशन करेंगे। गाइस प्लीज थोड़ा थोड़ा वीडियो शेयर करो ताकि और हमारे व्यूवर्स बढ़े। आप लाइक इमोजी हार्ट इमोजी कंटिन्यू चालू रखना ताकि फिर हमारे व्यूवर्स धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। लाइक इमोजी हार्ट इमोजी कंटिन्यू चालू रखना, ऐसे ही अलग अलग रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करती जाऊंगी पेज के ऊपर। आप अपने दोस्त को यहाँ पे टैग भी कर सकते हो। आप सेम रेसिपी आलू के साथ भी कर सकते हो, बॉईल किया हुआ आलू उसके साथ भी सेम रेसिपी कर सकते हो। ये देखो ये हो चुका है, अभी मैं इसको फ्लेम मैंने ऑफ किया है और मैं इसको निकाल रही हूं। आपको और थोड़ा रेड करना है तो आप कर सकते हो। ये देखो, ओके हाय नीतू मैम, अभी हम मैरिनेशन देखते हैं। अभी हम मैरिनेशन का देखते हैं, तो मैरिनेशन के लिए आपको क्या लगेगा वो मैं अभी आपको बता रही हूं, ठीक है। हम यहाँ पे ना सोया चाप की ग्रेवी देख रहे हैं, ओके तो पहले हमें लेना है अमूल का दही, तो मैंने यहाँ पे कर्ड ऑलरेडी लिया है अमूल का, ओके ये मैंने लिया है 1/4 कप और इसमें ही मैंने 1 टेबलस्पून अमूल की फ्रेश क्रीम डाली है। अगर आपके पास अमूल की फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप होममेड फ्रेश क्रीम भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। मैंने क्या लिया है, कर्ड लिया है अमूल का और मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास होममेड नहीं है तो आप घर की भी ले सकते हो। देन इसके अंदर जाएगा कसूरी मेथी, ये रोस्टेड कसूरी मेथी है, इसके अंदर जाएगा कसूरी मेथी। प्लीज गाइस वीडियो थोड़ा थोड़ा करके शेयर करो ताकि अमूल्स के व्यूवर्स भी बढ़ जाए, फॉलोवर्स भी बढ़ जाए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी यूज कर सकते हो। थोड़ा सा डाल रही हूँ किचन किंग मसाला, थोड़ा सा डाला है किचन किंग मसाला। अभी मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून चाट मसाला, रेड चिली पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून डाला है किचन किंग मसाला और 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ गरम मसाला और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, ज्यादा मत डालो।
आप कलर के लिए यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्वादानुसार अभी डालूंगी नमक, नमक का नहीं बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल देना। फिर इसमें डाल रही हूँ धना पाउडर हाफ टी स्पून, ओके, और फ्रेश धनिया, फ्रेश धनिया ये सब हमने डाला। अभी इसको हमने किया मिक्स। देखो मैं लाइव में बना रही हूँ तो मैं मैरिनेशन करके रख, मतलब हमारी जब तक ग्रेवी यहाँ पे बनेगी तब तक ये मैरिनेशन होगा, लेकिन जो रियल में होता है ना वो चीज बताती हूँ। रियल में आपको क्या करना होता है, इसको आधे से एक घंटा रखना होता है मैरिनेशन के लिए, आधे से एक घंटे के लिए। थोड़ा सा मैं इसमें रेड कलर ऐड कर रही हूँ। देखो ये टोटली ऑप्शनल है, ये टोटली ऑप्शनल है, बट हम होटल स्टाइल बना रहे हैं तो इसीलिए मैंने इसमें रेड कलर ऐड कर दिया है। ये जो है ये इसके अंदर आपको ऐड करना है, इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। मैंने अपना जो फूड कलर होता है रेड कलर वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ये पूरा ऑप्शनल है। आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करो तो भी चलेगा, ओके। अभी जब तक हमारी ग्रेवी बनती है ना तब तक ये मैरिनेशन होगा, बट आप इसको मिनिमम घर में हाफ टू वन आवर तक मैरिनेशन करके रखना ताकि इसके अंदर तक वो पूरा मसाला चला जाए। अभी अपना मुझे लगता है 10-15 मिनट तक मैं इसको साइड में रखती हूँ, देन मैं ना अभी ग्रेवी का स्टार्ट करती हूँ, ओके, ग्रेवी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ग्रेवी बनाने के लिए आप थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर ऐसा डालना, थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर, मैंने अभी तक बटर नहीं डाला है, मैं थोड़े देर बाद यहाँ पे बटर डालने वाली हूँ। पहले तो मैंने ऑयल ही डाला है सिर्फ। अभी यहाँ पे जाएंगे आपके खड़ा मसाला, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिया है तेज पत्ता, लवंग, काली मिरी, दालचीनी, ये आपको लेना है, ठीक है। अभी इसको अच्छे से गर्म हो जाने दो। गाइस प्लीज हार्ट इमोजी, लाइक इमोजी चालू रखना ताकि हमारे व्यूवर्स बढ़ जाए, ओके। इसके अंदर हम डालेंगे जीरा, ये बहुत कंपलसरी है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। साबुत जीरा, ओके, हाफ टी स्पून डालना है साबुत जीरा। उसके बाद दो टमाटर प्यूरी, इसमें है दो टमाटर और लाइक अदरक लहसुन, ठीक है। अगर टमाटर नहीं है तो आप डायरेक्टली मार्केट वाली टमाटर प्यूरी भी डाल सकते हो, टमाटर नहीं है तो मार्केट वाली टमाटर प्यूरी भी डाल सकते हो। इसमें मैंने क्या डाला है, 4 से 5 मतलब ये मैंने ये डाला है लहसुन और थोड़ा सा मैंने अदरक डाला है। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हो, ऑयल में डायरेक्टली ऑयल में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हो। मैंने 4 से 5 कली लिया था लहसुन, थोड़ा सा अदरक, और अगर आपको ये मतलब आप लहसुन चीज नहीं खाते हो तो आप उसको टोटली स्किप कर सकते हो, सिर्फ आप यहाँ पे अदरक का पेस्ट डाल देना, ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से
फ्राई करेंगे, मतलब इसको अच्छे से आपको पकाना है। इसको ज्यादा मतलब पतली भी नहीं रखनी है, ज्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी है, जैसे टोटली होटल में होती है ना ढाबे में, वैसे ही आपको इसको रखना है। पहले इसको अच्छे से कुक होने के बाद ही हम सब मसाले ऐड करेंगे। अभी मैं धीरे धीरे इसमें सब मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि कश्मीरी रेड चिली पाउडर, या आप होममेड यूज कर सकते हो, जो कि मैंने लिया है 1 टीस्पून। फिर से हम डालेंगे यहाँ पे किचन किंग मसाला 1/2 टीस्पून। देन हम डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला। जैसे हमने जो मसाले मैरिनेशन के लिए डाले थे वो मसाले सेम आपको फिर से रिपीट करना है ग्रेवी के लिए। ओके, थोड़ा सा डालेंगे नमक, ज्यादा मत डालो, आपने मैरिनेशन के लिए भी नमक डाला था ये मत भूलना, ठीक है। नमक थोड़ा सा कम हो गया तो आप फिर से डाल सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो आप उसको निकाल नहीं सकते हो। ओके, अभी ये क्या है, ये 2 प्याज आपको फ्राई करके लेने हैं और उसकी पेस्ट बनानी है। 2 बड़े प्याज आपको यहाँ पे फ्राई करके लेनी है और उसमें आपको थोड़ा से 1 टेबल स्पून के आसपास काजू ऐड करना है और उसकी पेस्ट आपको करनी है। 2 बड़े प्याज उसको फ्राई करके और उसमें 1 टेबल स्पून काजू डाल के आपको इसकी ऐसी ग्रेवी बनानी है, मतलब प्यूरी बनानी है, और वो इसके अंदर आपको ऐड करना है। इससे ही आपकी ग्रेवी बढ़ेगी, ठीक होगी और एक रिच फ्लेवर अभी इसको आएगा। अभी हमने, अगर आपका यही होगा कि मैम हम डायरेक्टली प्याज की ग्रेवी नहीं डाल सकते हैं क्या, तो नहीं। जब आप जो हमारा प्याज होता है उसको बहुत अच्छे से फ्राई करते हो ऑयल में और जब उसकी पेस्ट बनाते हो ना, तो उसका टेस्ट बहुत अलग आता है और होटल में वैसा ही यूज किया जाता है। इसीलिए आप, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कभी कभी बोलते हैं कि हमारी रेसिपी होटल जैसे नहीं होती है, क्योंकि कुछ कुछ ना टिप्स होती है जो लोग वो यूज करते हैं, तो वो मैं आपके साथ मैंने अभी शेयर किया है। अभी इसको ना आपको अच्छे से फ्राई करना है। अभी मैं यहाँ पे अमूल का बटर डाल रही हूं, लेकिन मैं अनसॉल्टेड बटर मैंने यूज किया है, जो मैंने 1 टेबल स्पून डाला है अमूल का बटर। ये स्टेज पे मैंने अमूल का बटर डाला है। मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और डाल रही हूं ताकि थोड़ा तीखा हो जाए, हम लोगों को तीखा पसंद है।
हाय प्रीति मैम, सॉरी। ये हमारा अभी क्या हो रहा है, ग्रेवी पकना स्टार्ट हम कर रहे हैं। आप इसको ढक्कन भी मार के रख सकते हो स्लो फ्लेम पे। मेरे पास अभी लाइव में इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको स्लो फ्लेम पे करूं, ठीक है? तो आप घर में लेकिन स्लो फ्लेम पे ढक्कन मार के करना, ओके? अगर ज्यादा ग्रेवी अच्छी चाहिए, थोड़ा सा आपको घी या बटर का यूज करना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा टेस्ट अच्छी आती है जी। रजनी मैम, मैं फिर से शेयर करूंगी रेसिपी, ओके? तो जब तक हमारा ये मसाला पक रहा है, तो मैं फिर से एक बार रेसिपी रिपीट करती हूँ। हमने यहाँ पे हम बना रहे सोया चाप की ग्रेवी, तो उसके लिए हमने सोया चाप लिए थे, जो हमने उसके पीसेस करके उसको ऑयल में फ्राई करके लिया। देन हमने 1/4 कप अमूल का दही लिया है, 1 टेबलस्पून अमूल की फ्रेश क्रीम ली है, रेड चिल्ली पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, किचन किंग मसाला और नमक और कसूरी मेथी। ये आपको इसमें डाल के इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है मिनिमम 1/2 से 1 आवर तक। अभी हमारी जब तक ग्रेवी बन रही है तब तक ही मैं इसको रखूंगी, बिकॉज मुझे अभी टाइम नहीं है लाइव में इसको मैरिनेशन रखने के लिए। तो भी मेरा 10 से 15 मिनट तक ये मैरिनेशन हो जाएगा। देन हमने यहाँ पे ग्रेवी स्टार्ट की है। ग्रेवी में आपको पहले ऑयल, बाद में घी या बटर, या आप राई का तेल भी यूज कर सकते हो अगर आप खाते हो राई का तेल। उसके बाद हमने यहाँ पे खड़ा मसाला यूज किया, जैसे कि तेज पत्ता है, लवंग है, दालचीनी है, काली मिरी है, वो आपको डालना है। फिर साबुत जीरा है, वो डाल के देन आपको इसके अंदर डालना है अपनी 2 टमाटर की प्यूरी। 2 टमाटर में आपको 5 से 6 कली लहसुन की डालनी है और थोड़ा सा अदरक डालना है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो लहसुन को आप स्किप कर सकते हो। देन 2 टमाटर की प्यूरी और वो सब की पेस्ट इसके अंदर डालना है। टमाटो प्यूरी अच्छे पकने के बाद आपको 2 प्याज फ्राई करके उसकी पेस्ट बना के डालनी है, और उसमें ही 1 टेबलस्पून आपको काजू डालना है। 2 प्याज है वो आपको ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है, देन उसकी पेस्ट और उसमें ही काजू डाल के उसकी पेस्ट बना के इसके अंदर डालने हैं। जो मसाले हमने मैरिनेशन के लिए यूज किए थे वही मसाले फिर से यहाँ पे आपको रिपीट करने हैं। गरम मसाला, कसूरी मेथी, देन उसके बाद रेड चिली पाउडर, किचन किंग मसाला, ये आपको फिर से मसाले थोड़े थोड़े रिपीट करने हैं, ठीक है? मैंने धना जीरा पाउडर अभी डाला है, कसूरी मेथी हम लास्ट में डालेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे चाट मसाला नहीं जाएगा, चाट मसाला सिर्फ मैरिनेशन के उसमें ही जाएगा, ओके? ये देखो अभी ग्रेवी हमारा पकना स्टार्ट हो चुकी है। पहली ग्रेवी अपनी कितनी थी, और अभी देखो इसका एक बैटर बनने मतलब स्टार्ट हो रहा है बनने के लिए। इसका मतलब क्या है, ग्रेवी हमारी पक रही है, अभी तक पकी नहीं है, ओके? इसको आप रोटी के साथ, परोठे के साथ, चपाती के साथ, चावल के साथ, पाव के साथ, जिसको आपको डालना है। ओनियन ब्राउन करना है जी, जी रजनी मैम, आपको ओनियन ब्राउन करना है और देन उसकी पेस्ट करके आपको डालनी है, तो इसकी टेस्ट और ज्यादा अच्छी आती है। अगर आप कच्चे प्याज की इसमें प्यूरी बना के डालोगे तो वो टेस्ट होटल जैसे टेस्ट नहीं आती है। दूसरी एक चीज है कि आप यहाँ पे लाई वाला जो कोलसा, मतलब जो अपना कोलसा होता है, उसका आप इसको स्मोक दे सकते हो। मेरे पास अभी वो नहीं है, लेकिन जब आपकी पूरी ग्रेवी होती है देन आपको इसके ऊपर वो करना होता है, मतलब कोलसा गरम करके उसके अंदर 1 टीस्पून घी डाल के इसको स्मोक आप दे सकते हो, तो टोटली आपका ढाबा स्टाइल जैसा टेस्ट और स्मेल आएगा, ठीक है? मेरे पास वो अभी अवेलेबल नहीं है, बट ये रेसिपी के लिए आपको वो करना है, आप अपने घर में जरूर करना इसको, ओके? ये देखो अभी अपना कम होता जा रहा है, और जो भी हमने ऑयल डाला था या बटर डाला था वो छोड़ना स्टार्ट कर रहा है, ओके? अभी हम क्या डालेंगे, ये जो हमारा मैरिनेशन था वो इसके अंदर डालेंगे हमारे सोया चाप। ये टोटली वेज होते हैं, ओके? टोटली वेज होते हैं। इसको इसके साथ है ना आपको अच्छे से फ्राई करना है।
अभी हम क्या करेंगे, अच्छे से ना इसको फ्राई करेंगे। जल्दी आपको पानी नहीं डालना है, बाद में डालना है। और मैंने यहाँ पे लूक वार्म वाटर लिया है, ठंडा पानी अगर डालोगे तो इसका टेस्ट चला जाएगा, तो ठंडा पानी आपको नहीं डालना है, वो भी ध्यान रखो। अभी इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई होने दो, देन आप क्या करोगे इसके अंदर थोड़ा सा लूक वार्म वाटर डालोगे। और जैसे कि हमारा ये रेसिपी है सोया चाप चीज अंगारा, फिर से रेसिपी का नाम सुनो, अगर आप इसमें चीज नहीं डाल रहे हो तो आपकी रेसिपी का नाम क्या होगा, सोया चाप अंगारा। लेकिन हमें चीज वाली ग्रेवी बहुत पसंद आती है, वो इसके अंदर नहीं डालनी है आपको, ऊपर से डालनी है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, सोया चाप चीज अंगारा। सेम रेसिपी उबले हुए बॉईल आलू के साथ आप कर सकते हो, सेम रेसिपी आप मशरूम के साथ कर सकते हो। अभी देखो इसको अच्छे से ऑयल सूटना स्टार्ट हो गया है। मैं अभी ये स्टेज पे थोड़ा सा टेस्ट करूंगी कि इसमें नमक है कि नहीं। क्या बताऊं, इतना यम्मी लग रहा है और इतना अच्छा अरोमा छूटा है मेरे घर में। थोड़ा सा मैं पहले धना जीरा पाउडर, मुझे कम लग रहा है, ये मेरा होममेड है, जो भी मसाले मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो सभी मसाले होममेड है। तो श्रावण महीने में इससे अच्छी रेसिपी आपको संडे स्पेशल में क्या चाहिए, तो आज रात को ही सब लोग बनाना और जरूर मुझे उसके फोटोज भेजना। मैं अपना नंबर थोड़ी देर बाद यहाँ पे कमेंट में डाल दूंगी, जो भी ये रेसिपी बनेगा मुझे जरूर व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है। अभी हम डालेंगे यहाँ पे लूक वार्म वाटर, अभी देखो आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप डालना। लेकिन एक बात बोल देती हूँ, यहाँ पे हमने काजू का इस्तेमाल किया है, तो जैसे ग्रेवी ठंडी होती है ना थोड़ा सा, तो ग्रेवी क्या होती है, गाढ़ा होता जाता है ग्रेवी, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से आप बाद में भी, अगर आपको लगा कि आपकी ग्रेवी तो बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है एक घंटे के बाद या दो घंटे के बाद, तो आपको क्या करना है, लूक वार्म वाटर ऐड करके आप उसको फिर से गर्म कर सकते हो। लेकिन ठंडा पानी कभी भी नहीं, ग्रेवी में ऐड नहीं करना है, उससे कलर भी चेंज होता है और ग्रेवी का टेस्ट भी बहुत मतलब चेंज होता है। लेकिन गर्म पानी से क्या होता है, वो टेस्ट अच्छा होता है और वैसे के वैसे होता है। ये देखो अभी मैंने, हम तो तीन जन ही खाने वाले, तो मैं ज्यादा इसको पतला नहीं रखने वाली हूं, ओके ठीक है। ये हो रहा है तब तक मैं थोड़ा सा यहां से सामान हटा लेती हूँ। ओके और अभी देखो कैसा लग रहा है। अभी दूसरी और एक स्टेप क्या है, अगर आपको चाहिए कि आपको और थोड़ा सा रेड चाहिए और चाहिए आना चाहिए, हम लोग ज्यादा ऑयली चीज नहीं खा रहे, अभी आपकी मैं बात की स्टेप बता देती हूँ आपको, अभी आपको क्या करना है, देन आपको एक साइड में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा घी गर्म करने के लिए रख देना है। उसके बाद आपको उसमें हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और एक साबुत मिर्ची का आपको गरम करके इसके ऊपर आपको उसको डालना है, ताकि आपका रेड कलर आ जाएगा। अगर आपको ज्यादा ही ऑयल चाहिए, हम लोग ज्यादा ऑयल नहीं खा रहे हैं तो मैंने कम डाला है, बट आपको वैसा चाहिए तो आप वैसा भी कर सकते हो। अभी इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज सब चीज हमने क्या की थी, अच्छे से
फ्राई करके लिया था, तो इसमें ज्यादा कोई पकने की चीज है नहीं। ओके, और अभी ये स्टेज पे जाएगा आपका कसूरी मेथी, ये स्टेज पे आपका जाएगा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के बिना कोई भी ग्रेवी आपकी पूरी अधूरी है। इससे जो टेस्ट आता है, और अगर आप इसमें बटर या घी का यूज करते हो तो सच में इसमें टेस्ट में बहुत फर्क आता है। जब आप पूरा ऑयल यूज करते हो और थोड़ा सा बटर यूज करते तो इसमें टेस्ट में फर्क आता है। तो जब भी आप होटल स्टाइल या ढाबा स्टाइल रेसिपी बना रहे हो, अगर आप राई का तेल यूज करते हो तो उसको जरूर यूज करना। अगर आप नहीं यूज करते तो कोई बात नहीं, बट आप अपने ये वाले ग्रेवी में जब भी आप होटल स्टाइल बना रहे हो या ढाबा स्टाइल बना रहे हो तो उसमें आपको घी या बटर यूज करना ही करना है, तो ही आपकी टेस्ट आती है। थैंक यू प्रीति मैम। यार कोई तो लाइक इमोजी हार्ट इमोजी दे दो, जो लाइव देख रहा है प्लीज लाइक इमोजी हार्ट इमोजी थोड़ा सा कंटिन्यू चालू रखो, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको रेसिपी पसंद आई है। अभी देखो धीरे धीरे इसको ऑयल छूटना स्टार्ट हो जाएगा, बटर छूटना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इसको टाइम देना होता है। ओके, अभी आपको जितना पतला चाहिए जितना गाढ़ा चाहिए उसके हिसाब से आप कर लेना। ओके, ये देखो अभी इसके बाद है चीज वाला, ठीक है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, इसको ऐसे भी खा सकते हो, चीज अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर देना। ओके, ओवर कुक भी मत करो, ओवर कुक भी मत करो, जिससे आपका टेस्ट चला जाएगा। ऑलरेडी इसमें पकने वाली चीज तो कोई है नहीं, फिर भी हम इसको 10 मिनट रखेंगे। ओके, अभी देखो ये धीरे धीरे गाढ़ी होती जा रही है, तो जब भी आपको लगेगा कि ये गाढ़ी हो चुकी है तब आप इसमें गरम पानी ऐड कर देना। ये देखो थोड़ा सा प्रिपरेशन होना तो बहुत जल्दी हो जाती है, और संडे स्पेशल में जब हम नॉनवेज नहीं खाते हो तो ये सबसे अच्छी बेस्ट रेसिपी है जो आप घर में बना सकते हो, और जिसको आप किसी के साथ भी खा सकते हो, और ये छोटे से बड़े तक कोई भी लोग ये वाली ग्रेवी सोया चाप की आप कौन सी भी ग्रेवी बना वो बहुत ही यम्मी लगती है। मेरा तो अभी 2 दिन पहले ही सोया चाप ग्रेवी का क्लास हुआ था, तो हम 2 दिन से सोया चाप ही खा रहे हैं, लेकिन वो खाने में मजा आता है, उसकी टेस्ट ही बहुत अच्छी आती है। अभी मैं इसको ना निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा इसको गाढ़ा नहीं बनाना है, क्योंकि धीरे धीरे ये गाढ़ा हो ही जाएगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। ये देखो इसके पीसेस देखो कैसे लग रहे हैं, यम्मी, और कलर देखो कितना अच्छा आया है। अभी इसके ऊपर क्या जाएगा, फ्रेश धनिया,
और अभी इसके ऊपर जाएगा अमूल का चीज। ओके, आप प्रोसेस चीज या आपको जो भी डालना है वो आप डाल दो। जब ये चीज पूरा मेल्ट होगा तो ये रेसिपी बच्चों को, आपके बच्चे को चीज अगर डाला ना तो ये रेसिपी सबको पसंद आएगा। चीज से इसके टेस्ट में बहुत टेस्ट आता है और बहुत ही मतलब अच्छी लगती है, यम्मी यम्मी लगती है। तो ये देखो आपकी सोया चाप चीज अंगारा रेसिपी रेडी है खाने के लिए। ओके, कैसा लग रहा है आपको? इतनी प्यारी रेसिपी हो और रोटी हो खाने के लिए तो बात ही मतलब अलग है ना, कि बाबा मुझे तो ऐसा हो रहा है कि मैं कब अभी रोटी बना रही हूँ गरम गरम और उसको इसके साथ मैं ट्राई करूंगी। सेम रेसिपी आप कोई भी उबला हुआ आलू मशरूम डाल के भी कर सकते हो, बाकी की रेसिपी आपको वैसे ही कंटिन्यू करनी है। तो कैसे लगा? आप बाद में जो ऑफलाइन देखने वाले हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको रेसिपी कैसे लगी। जो भी बाद में देखेंगे फिर से वीडियो शेयर करना और ये रेसिपी जरूर बताना मुझे कि आपको कैसे लगा, कि आपने जब घर में ट्राई किया था। थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे मेरा नंबर ऐड कर दूंगी, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा। मुझे फोटो निकाल के जरूर भेजना अगर आप ये रेसिपी बनाते हो। तो थैंक यू सो मच अमूल कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पे लाइव आए। मैं उनका थैंक्स बोल रही हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हमारे लिए बनाए जो हम यूज करते, प्रोडक्ट हेल्दी होते हैं खाने के लिए। तो उनको थैंक यू और मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं जब भी फिर से लाइव आऊंगी ऐसे ही अनोखी और सिंपल वाली रेसिपी लेके आऊंगी। अगर मुझे यही मंथ में फिर से मौका मिला लाइव आने का तो मैं गणपति स्पेशल आपको मोदक जरूर सिखाऊंगी, जो हमारा महाराष्ट्र स्टाइल स्पेशल होता है, तो मैं मोदक जरूर आपको सिखाऊंगी। तो अभी का लाइव मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच लाइव आने